तुम पढ़ी लिखी थी या समझदार थी तो मेरा भाई से दिन रात कपड़ा नहीं धोवाती तुम। क्यों नहीं धोवाऊं? समझी कि नहीं? अपना भी कपड़ा तुम दे देती है धोने के लिए। क्यों नहीं धुलाऊं? धुलाऊंगी। जब धन संपत्ति दिखा के किया कि मेरा इतना है उतना है कुछ नहीं है तो क्या करूं मैं? थोड़ा ढंग से रहने के लिए जान जाओ। इस घर में रहना है तो ढंग से रहना पड़ेगा तुझे। मैं ढंग से ही रहती हूं। बता दे रहा हूं मैं। सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। शादी आंसू बहा रहा हूँ, आपत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। हेलो, हाँ मां अपना कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ। ठीक है क्या? नहीं ऐस तो नहीं कर रहे लेकिन आराम जरूर कर रहे। अरे क्या बताऊं, आपके दामाद कपड़ा धो रहे थे आराम निकलेंगे। बहन ऐसे काम क्यों करती है? बेटी से कपड़ा क्यों धोवाती हो? शर्म नहीं आती है तुमको? ठीक बात नहीं है, इतना दहेज देकर आई हूँ, ऐसे थोड़ी ना आई हूँ। बाप भाई को तो ठग लिए, दूसरे के संपत्ति दिखा दी और शादी करा दिए कि ये अपना है, और यहाँ पे आके देख रहे ये है, ये फूटी मतलब ये दरवाजा देखो, ये देखो सामान सब देखो कैसे है, दूसरे का दिखा लिए, मेरे बाप भाई को ठग लिए। लड़का तो बदला नहीं है। इसके बाप तो बोले कि अच्छा कंपनी में जॉब करते हैं, ये जॉब वो कुछ नहीं करते हैं, इतने में लाल गए चाटने में पोटा, ऐसा है तुम्हारे देवर। तुम तो बड़ी एजेंट क्यों बोलती हो? बड़ी घर की बेटी इस तरह बात करती है? देखो दीदी आप चुप रहो तो ही अच्छा है, जैसा देश वैसे भेष बनाती हूँ मैं। पुराने जमाने की औरत नहीं हूँ मैं, नए जमाने की औरत हूँ। लो सब्जी पकड़ो। और तुम लोग क्या बात कर रही थी आपस में? मैं बाहर से सब तुम लोग का बकर बकर सुन रहा था, ठीक है ना? और तुम मेरी बीबी को क्या बोल रही थी? तुम बड़ी घर की बेटी है तो क्या करोगी? बड़ी घर की बेटी हो अपने घर में दिखाना, हमारे घर में नहीं चलेगा ये सब। इस कलमोही से तो बात ही मत करो, तो मेरे वाला हाल आपको भी हो जाएगा भाई। अच्छा तो भाई कुमार है ठीक है। तुम हमारे भाई से कपड़ा नहीं धुलवा सकती हो, ठीक है ना? कपड़ा धुलवाना ये इसकी बेइज्जती है, ये बहुत गलत काम है। मेरा हुआ है समझे जेठ जी? मेरे पिताजी को दूसरे का संपत्ति दिखा के दहेज ले लिया आप लोगों ने, असली बेइज्जती तो ये हुआ समझे जेठ जी? समझ रहा हूँ मैं, तुम्हारे बाप ने दहेज दिया और हमारे बाप ने दहेज लिया, लेकर के तो दहेज मेरा बाप मर गया, इसमें हमारा भाई की क्या गलती है? समझ रही हो क्या बोल रहा हूँ मैं? दिन भर खाली मोबाइल चलाते रहती हो लेकर के, और मेरे भाई को से कपड़ा धुलवाती हो, शर्म नहीं आता है इसे? मेरा पति तुम्हारा दहेज का पैसा एक भी नहीं खाया है। तेरा पति जा बीच में हम लोग को मचला, मेरा पैसा खाया है, कोई नहीं बाकी है ये घर में, समझे दीदी? मेरा पैसा हम कोई नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाया है, सब कोई खाया है, ठीक है? हम तो शादी में जानते हो क्या किए थे हम, मेरा बाप जो है शादी में मेरा पैंट शर्ट भी नहीं सिलवाया था, मैं अपना शादी का कोट पैंट पहन करके गया था बारात, ठीक है ना? तुम्हारा बाप का दिया हुआ पैसा मैं एक रुपया भी नहीं खाया, वो तो मेरे को नहीं, ठीक है? पता है करते रहती हो हमेशा। कहाँ गया, जितना पैसा दिए थे उतना तो खर्च नहीं हुआ है, हमको हिसाब करने भी आता है, ऐसे मत समझिए जी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सब पढ़ी लिखी हूँ, हमको हिसाब करने भी आता है, ठीक है? हम देखे आप लोग जो डायरी रखे थे ना, वो डायरी हम सारा चेक किए हैं, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा हिसाब भी है, उसमें हम सब कुछ सब डिटेल देख लिए, कितने हिसाब भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, उतना पैसा खर्च नहीं हुआ है जितना दिए है, ठीक है? तुम तो सब समझती हो, सब जानती हो। मैं सब समझती हूँ, क्यों नहीं समझ? पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ गवार तो नहीं हूँ। पढ़ी लिखी हो तब तो टच वाला मोबाइल दिन भर चलाते रहती हो। फोन टच फोन आप लोग नहीं दिए हैं, मेरा भाई दिया है रक्षाबंधन में, मेरा भाई दिए है गिफ्ट में, आप लोग नहीं दिए है, जो आप लोग मेरे टच मोबाइल के नजर में है वो मत सोचिए जेठ जी, आप चुप हो जाइए तभी अच्छा है ना, तो बहुत बुरा होगा। तुम औरत होकर बकती रहती, अब मैं चुप रहा हूँ। जब आप बड़े हैं आप बक सकते हो तो मैं भी तो बक सकती हूँ। बड़ा आदमी छोटा को बोलेगा बैठेगा नहीं, समझाएगा नहीं? मेरे भाई से दिन रात कपड़ा धोवाती रहती हूँ, अनपढ़ गवार नहीं हूँ, नहीं बोलूंगी। दिन भर कपड़ा धोवाती रहती है, बोलती है कि पढ़ी लिखी
यही तुम्हारा समझदारी है। अगर तुम पढ़ी लिखी थी समझदार थी तो मेरा भाई से दिन रात कपड़ा नहीं धोवाती तुम। क्यों नहीं धोवाऊं? समझी कि नहीं? अपना भी कपड़ा तुम दे देती है धोने के लिए। क्यों नहीं धुलाऊं? थोड़ा ढंग से रहने के लिए जान जाओ। इस घर में रहना है तो ढंग से रहना पड़ेगा तुझे। बता दे रहा हूँ मैं, खाने की जरूरत नहीं है मुझे। चुप रहिए, इसको सामान मिले, इसको गर्मी लग गया जी। अरे भाई, ये तो हमको समझाते समझाते कपड़ा धो देते मेरे को मार डालेगी जान से। इसको समझाओ, मैं तो बहुत पागल हो गया हूँ मैं तो इनके चक्कर में। सुखो रेखा, हमारे पिताजी को धन गाड़ने की लत लगी हुई थी। हमें लगता है कि तुम्हारा पिताजी का दहेज का पैसा दिया हुआ जो है वो कहीं गाड़ कर ऊपर चले गए। तुमको बता कर जाना चाहिए था ना कि कहाँ गाड़े हैं। ये भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरा पैसा तो सब लेके चल गया, अब मैं क्या करूँ? अब बूढ़ों को बता के जाना चाहिए। ये भगवान ऊपर से भेज दो उनको, बता दे कम से कम धन मेरा कहाँ है। रानी, तुमको तो पता है जो पिताजी को हार्ट अटैक आया है, फिर वे उसमें कहाँ बता के जाते हैं जो धन कहाँ रखते हैं, दौलत कहाँ रखते हैं। हमको लोग को तो खुद नहीं पता है, क्या करूँ? तुम तो पढ़ी लिखी, तुम बहुत समझदार हो। अब इसे मेरे भाई को माफ कर दो, ये भी बहुत नादान है, इसे माफ कर दो। और आगे तुम दोनों शांति से रहो, तब तुम लोगों का घर बसने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बढ़िया घर गृहस्थी चलाओगी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, इतना समझदार हो तुम, फिर भी ऐसे करती हो। भाई को समझा कर रखो, तुम ही कोई रास्ता निकालो, ठीक है? एक ही रास्ता है, मेरे ससुर जो धन गाड़ रखे थे वो सबको ढूंढ लोगे तब हम मैं सबको माफ कर दूंगा। मैं तो गया, तुम लोगों के चक्कर में मैं भी फंसा। भाई, रो क्यों रहे हो? अब मजा आएगा। अच्छी जाते कहाँ हो? रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।